तो गाइस ये देखें कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही भाई। अरे कौन सी मटेरियल गाड़ी लेके आए हो? अस्सलाम वालेकुम, हे गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होके, हम भी ठीक हैं। तो गाइस आज ईद का चौथा दिन है और तीनों ईद हमारी ऐसी सो के गुजरी, जानवरों के साथ गुजरी। तो आज हमने सोचा कि घूमने फिरने चलते हैं यार, इन्जॉय करेंगे, तफरी करेंगे। और हमारे साथ फरदीन जा रहा है और अम्मी जा रही हैं, तलहा अबू नहीं जा रहे, अबू की तबीयत ख़राब है, तलहा कुछ काम है इस वजह से। तो अब हम चलते हैं फटाफट। लेकिन हम गाइस सोच रहे हैं कि हम कहाँ पर जाएँ। फरदीन कह रहा है कि CVO चलो, मैं कह रहा हूँ नहीं, PF वगैरह कहीं चलते हैं। PF भी दूर है, CVO भी दूर है, तो चलते हैं देखते हैं। CVO पे गाइस CVO बोल रहा है नहाऊंगा। तो ये देखो ना, अब नहाने का टाइम थोड़ी है, अभी शाम का वक्त होगा, थोड़ी देर में रात हो जाएगी, अभी नहाने का कोई वक्त नहीं है। तो CVO चलो भाई, वो पी है, वो क्या एक ही जगह पे खड़ा है मूर्ति बनाकर। कौन? वो पी आई के जहाज मूर्ति वगैरह कुछ नहीं है उसकी। अब चलते हैं गाइस, देखते हैं क्या सीन है, फिर फटाफट चलते हैं नीचे। ये हमने कल बारबेक्यू करी थी ना, तो ये सारे कोयले रखे हुए हैं, और भी कोयले हमारे पास, लेकिन ये फिलहाल अभी कोयले बचे हैं। और अब देखेंगे क्या सीन है, अगर दोबारा करनी होगी तो कर लेंगे गाइस। तो गाइस फरदीन भी रेडी हो चुका है, ये देख सकते हो। चलो अब चलते हैं गाइस नीचे। तो गाइस ये देखें कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही भाई। अरे कौन सी मटेरियल गाड़ी लेके आए हो? हम आए थे एक जगह पे, लेकिन हमारे साथ पोपट हो गया है। मैं आपको दिखाऊं, ये देख सकते हो, ये जहाज़ के पास हम आए थे, वो खड़ा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। और यार ये बंद है, 2-3 महीने के लिए था, काम हो रहा है। अब चलते हैं हम यहाँ से सीधा कायद आजम के मज़ार। सही है ना फरदीन? चलो भाई चलते हैं। तो गाइस हमारे साथ पोपट हो गया, फिलहाल हम घर पर आ गए। हम PIA के वहाँ गए तो वो ऑफ था, वो 2-3 महीने बाद खुलेगा क्योंकि उसका काम था। कायद के मज़ार गए, लेकिन वहाँ पर एंट्री बंद हो गई थी रात के टाइम पर, इसलिए हम व्लॉग शूट नहीं कर पाए। और इतना ज़्यादा यार रोडों पे ट्रैफिक था ना ईद की वजह से, जबकि आज ईद का चौथा पांचवा दिन है, लेकिन फिर भी ट्रैफिक उससे ज़्यादा था। तो फिलहाल हम घर पे आ गए हैं। और ये पंखा यार हमने सही करवाया था, लेकिन उसके बाद भी बंद हो चुका है। तो अब ये छोटा वाला पंखे का मैंने जुगाड़ लगाया है यहाँ पर। मैं यहाँ पर गाइस बैठूँगा, इस तरफ मैं बैठता हूँ अपनी कुर्सी रख के, मुझे ये हवा देगा। गाइस ये देखेंगे जादी भाई जो है, इन्होंने ये कंप्यूटर उधर लगाएंगे। आप कंप्यूटर हमने उधर लगा दिया था क्योंकि ये पंखा जो है ख़राब हो गया था, ये पंखा लाए थे, देख सकते हैं गाइस। और अब्बू इधर ज़रा बैठे हुए मोबाइल चला रहे हैं। अरे PC, अरे VIP ले गए चलो। हाँ 150 रुपया ले लेना मेरे से, सही है? हाँ कम। हाँ वैसे बजाज भाई आपके साथ, आप के साथ तो पोपट हो गया। नसीब में पोपट दिखाना। गाइस ये जो है उधर गए, कहते हैं PI के जहाज पे, और उनका पोपट हो गया, वो बंद था, मेरा भी पोपट हुआ। अब क्या कर सकते हैं, नसीब था हमारा। देख सकते हैं गाइस अभी इन्होंने टेप उठा लिया, स्पीकर फुल कत्ते ही VIP काम कर रहे हैं। तो अभी स्पीड गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, पंखे बंद होने की वजह से मेरे छोटा वाला पंखा मैंने लगा दिया, शायद ये मुझे हवा दे रहा है, हवा इसकी अच्छी है। हाँ ये बड़ी अच्छी बात की आपने, देख सकते हैं गाइस। अब क्या कर रहे हो हैं? अरे अच्छा, हाँ सही है। अब इसका मैं तो कह रहा हूँ तार वार भी लगाओ, पूरी सेटिंग करो। अरे मुझे को तो लगा था कि आप जीनो, इसलिए मैं ना बोलूं। अच्छा अच्छा वो अरे गाइस इनके इनका फेस देखें गाइस, कितना करो गाइस, हाँ हाँ इतना पसीनों से पूरा हाल हो गया गाइस इनका तो। अरे 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 हम बस बंद कर दो अभी, ये तो खराब ना हो जाए।
ऐसे गाइस आप ये देखें, हमारे पास ये वाला जो है इतना बड़ा पंखा था, फिर भी हम ने क्या सही करवाया, ये इतना सा पंखा सही करवाया गाइस। अरे हाँ, हिल बहुत रहा है। इसका मतलब क्या ना, एक रस्सी उधर से बांध दो, एक रस्सी उधर से बांध दो, चारों तरफ से रस्सी बांध दे, क्या कहते हो? इधर आए हुए, इधर आए हुए प्रोफेसर आए हुए। तो गाइस अब थोड़े से तो तार लग चुके हैं, आधा काम तो हो गया ऑलमोस्ट। अब आप ये देखें, अब ये क्या करते हैं, अब क्या कर रहे हो? मैं तो कह रहा हूँ हैं, कह रहा हूँ अब क्या कर रहे हो? तार आ रही है, यहाँ से नहीं होगा, ये यहाँ से खींचो ना, यहाँ से हाँ, और खींचो और खींचो। अबे भाई वो निकल जाएगा तेरे खींचे। अरे तो क्या हुआ, दोबारा लगा देंगे ना उसको तो। अरे यूं लगाऊ ना उसको? मुझे करने दे, तू खुद कर ले काम फिर। अरे देखो देखो, हर बंदा जो हर बंदे को उस्ताद सिखाता है, और मैं आपको उस्ताद हूँ। तो गाइस आप, मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? हर बंदे को उस्ताद सिखाता हूँ और मैं इनका उस्ताद हूँ। पसीना है यार, गर्मी बहुत है, पसीना तो आएगा ना जब पंखा ऑफ होगा। अरे जल्दी करो ना भाई, हाथ के खेले जल्दी करो, क्या कर रहे हो? चले आए यहाँ से, मैं चमाट वमाट मार दूंगा। चले आए यहाँ से। गाइस इनको तंग करके रख दिया मैंने, अभी और तंग करेंगे फिर मजा, अभी और तंग करेंगे मजा आएगा अभी। चलो उठाओ ना ये, तो क्या उठाऊंगा ना, तो क्या इसको कैसे उठूंगा? अरे अरे यार, हाँ देखो ना पीछे से क्या सिस्टम है। बेटा मैं देखा हूँ ना काफी, छोड़ो तो जा, तुम आ जा। फाइनली गाइस एडिटिंग वगैरह मैंने कर दी है, और ये पंखा देख सकते हो, हमारे से छोटे वाले पंखे ने हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया, और आज तो यार हमारे साथ पॉपर्टी हो गया था, इसलिए ब्लॉग ज़्यादा अच्छा नहीं बन पाया। अब इंशाल्लाह कल देखेंगे, अगर हमें कहीं बाहर वगैरह जाना होगा तो जाएंगे इंशाल्लाह, अच्छा सा आपके लिए ब्लॉग बनाएंगे। फिलहाल इस ब्लॉग को कर दो यहीं पर एंड, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर न्यू हो सब्सक्राइब करना, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।